सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी कि रात को सोने से पहले सिंपल टू स्टेप फॉलो करने से आप अपनी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और ब्राइट पा सकते हैं। मैंने इन दोनों स्टेप्स को 12 से 15 दिन के लिए फॉलो किया, मुझे अपनी स्किन में मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब। कोई भी स्किन केयर से पहले ज़रूरी है कि अपनी स्किन को साफ करना, इसलिए नीम गर्म पानी को बाउल में डालकर इसमें टॉवल को भिगो लें, फिर स्टीमिंग लेते हुए अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए। स्किन को साफ करने के बाद एक बर्तन में एक चम्मच ग्लिसरीन डाल लें, फिर 8 से 10 कतरे पानी के डालकर मिक्स कर लीजिए। अब इस पूरी ग्लिसरीन को अपनी स्किन पर लगा लीजिए। ग्लिसरीन ऑल स्किन टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है, ये स्किन को ग्लोइंग बनाती है। फिर आपको 10 मिनट के लिए वेट करना है। 10 मिनट के बाद कॉटन बॉल को पानी में भिगो लीजिए, फिर इसे अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए। ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। कॉटन बॉल से अपनी स्किन को साफ करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप है, आप जो भी टूनर यूज़ करते हैं उसे लगा लीजिएगा। बेस्ट यही है कि आप रोज़ वाटर यूज़ करें। इस टूनर को 5 से 6 बार अपने चेहरे पर लगा लें ताकि ये अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। इससे आपकी स्किन हेल्दी दिखाई देती है। इन दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद रात को सो जाइए और सुबह देखेंगे कि आपकी स्किन और भी ग्लोइंग दिख रही होगी। तो चलते हैं आज के मैसेज की जानिब। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है लेकिन कभी आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ता। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।